स्वागत है आपका SWB में। SS राजमौली की RRR ने 2023 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के 5 अवार्ड अपने नाम किए हैं। वो कौन कौन से हैं? आइए जानें इस खबर में। RRR, जिसमें जूनियर NTR और रामचरण शामिल हैं, ने बुधवार को 5/2023 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड नामांकन प्राप्त किए। RRR अवतार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। द वे ऑफ वाटर, बेबीलोन, द बंशीज ऑफ इनिशरिन, एल्विस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द फेबलमेंट्स, ग्लास अनियन, ए नाइव्स आउट मिस्ट्री, टार, टॉप गन, मेवरिक एंड वीमेन टॉकिंग फॉर बेस्ट पिक्चर थी। राजामौली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन मिला। जेम्स कैमरन, डेमियन चेजेल, टॉड फील्ड, बाज लुहरमन, डेनियल क्वान, डेनियल शेनेट, मार्टिन मैकडोनाल्ड, सारा पोली, जीना प्रिंस बाइटवुड और स्टीवन स्पीलबर्ग उनके प्रतियोगी हैं। RRR को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत नातू नातू के लिए नामांकित किया गया था। दो दिन पहले RRR को 2023 गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म ने राजामौली के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सकल के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। सैटर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, NBR ने RRR को वर्ष की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामित किया। MM केरावनी ने सर्वश्रेष्ठ मी के लिए LAFCA पुरस्कार जीता। RRR के लिए USC स्कोर, SS राजामौली, ईगा, मर्यादा रमन्ना, मगधीरा, सई और सिम्हाद्री SS राजामौली ने इंडिविया से कहा, जाहिर है, मैं रोमांचित हूँ। मैं नहीं पहचान सकता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं कहूँगा कि पश्चिमी दर्शकों को मसाला फिल्मों का भरपूर एक्शन नहीं मिलता। शायद हॉलीवुड उन्हें पर्याप्त नहीं देता। प्रतिक्रिया ये बताती है, इसने मुझे वास्तव में चौंका दिया और मैं रोमांचित हूँ।